हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है हम पढ़ रहे थे दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और हमने पिछले टाइम पे स्पेक्स आई सेकेंड कंप्लीट की अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या रिया एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल केस ऑफ एम बाई एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच ठीक है तो असाइन ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है इसके बाद चैप्टर आएगा एट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है स्पेशल केस होता है ओ एन एम बाई एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच जिसमें एम बराबर होता है एन के तो जब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे उसमें जो मैट्रिक्स दी हुई होती हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं यानी कि एम बराबर किसके होता है उसमें एन के बराबर होता है तो इसका कौन सा पार्ट सही है इसका ई पार्ट सही है इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देखिए इन ए बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एम बाई एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन इज एट मोस्ट तो ये तो आपको मालूम ही है तो जो पॉजिटिव एलोकेशन होती हैं अधिक से अधिक कितनी होती हैं वो एम प्लस एन माइनस वन होती है तो इसका बी पार्ट सही है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दी नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ठीक है ये पार्ट में दिया सिग्मा ए आई बराबर सिग्मा बी जी तो यही सही है इसमें जो सिग्मा ए आई है वो किसके बराबर होता है बी बीजे के बराबर होता है ठीक है यानी कि जो भी अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट ठीक है उनका सम बराबर किसके होता है जो रिक्वायरमेंट दी होती हैं उनके सम के बराबर होता है ठीक है ए आई को हम अवेलेबल से दिखाते थे और बीजे को किससे दिखाते थे रिक्वायरमेंट से तो सिग्मा ए आई किसके बराबर होता है बी बीजे के बराबर होता है तो तीसरे का हमारा ये पार्ट सही है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ठीक है इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ए लूप में बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर सेट ऑफ एट लीस्ट देखिए जब भी हम लूप बनाते हैं मोदी मेथड में लूप बनाते हैं तो ये बताइए कम से कम कितनी सेल की आवश्यकता होती है ठीक है वो लूप बनाने के लिए कम से कम चार सेल तो चाहिए ही चार से ज़्यादा भी हो जाती है यूज़ जैसे कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में पिछले क्वेश्चंस में हमने लूप बनाए ठीक है तो कम से कम कितने सेल की आवश्यकता होती है कम से कम चार सेल की आवश्यकता होती है तो हम उसमें क्या बना सकते हैं लूप बना सकते हैं तो फोर का कौन सा सही होगा बी पार्ट सही होगा ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव इफ़ वी हैव ए फिजिबल सोल्यूशन कंसिस्टिंग एम प्लस एन माइनस वन इंडिपेंडेंट एलोकेशन एंड इफ नंबर यू आई एंड वी जे सेटिस्फाई सी आर एस बराबर यू आर प्लस वी एस फोर ईच ऑक्यूपाइड सेल आर एस द दूशन डी आई जे कोरस्पोंडिंग ईच एम टी सेल इज गिवन बाय तो ये डी आई जी की वैल्यू पूछ रहा तो डी आई जी की वैल्यू किसके बराबर होती है सी आई जी माइनस यू आई प्लस वी जे तो कौन सा सही है इसमें पांचवी का ए पार्ट सही है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू इम्प्रूव द करंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इफ इट इज नॉट ऑप्टीमल ठीक है भाई हमें इम्प्रूव करना करंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को यदि वह क्या नहीं है ऑप्टीमल नहीं है यानी कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन नहीं है तो वी एलोकेट द सेल विच डी आई जे ठीक है तो यदि कोई सोल्यूशन ऑप्टीमल नहीं है तो डी आई जे कैसा आता है नेगेटिव नेगेटिव आता है तो उस सेल में हम करते देल, देल एलोकेट करते हैं डेल डेल एलोकेट करते हैं कौन सी सेल में करते हैं जिसमें डी मिनिमम हो और नेगेटिव हो ठीक है भाई डी आई जी सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हैं तो मोस्ट नेगेटिव का क्या मतलब होगा यहां पे तो छठे में मिनिमम एंड नेगेटिव होगा तो छठे का हमारा कौन सा पार्ट सही है छठे का ए पार्ट सही है क्वेश्चन नंबर चलिए सेवन देखिए इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दोल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी ऑप्टीमल इफ द सेल इवोल्यूशन आर ठीक है दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द सोल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी ऑप्टीमल इफ ऑल सेल इवोल्यूशन आर ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सोल्यूशन इसका ऑप्टीमल कब होता है जब सेल में हम इवोल्यूशन करते हैं सारे डी आई जे निकालते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो सोल्यूशन कैसा होता है हमारा ऑप्टिमल। और यदि सारे डी आई जे नेगेटिव नहीं होते ठीक है सारे डी आई जे नेगेटिव नहीं होते तो हमें उसमें थीटा रख के फिर आगे सोल्व करना होता है ठीक है तो ओप्टीमल सोलूशन कब होगा जब सारे डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएंगे जीरो आ जाएंगे चलिए अब ठीक है क्वेश्चन नंबर एट इन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड वी सेलेक्ट रो और कोलम विच पेनल्टी इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मैथड जब हम यूज़ करते हैं तो हम रो में और कोलम में पेनल्टी छाँटते हैं तो ये बताइए कौन सी पेनल्टी छाँटते हैं लार्जेस्ट छाँटते हैं स्मॉलेस्ट छाँटते हैं जीरो छाटते हैं या नन ऑफ दीज ठीक है तो हम इसमें लार्जेस्ट पेनल्टी छाँटते हैं कैसी पेनल्टी छांटते हैं इसमें लार्जेस्ट तो कौन सा पार्ट सही है आठवीं का ए पार्ट सही है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए टू फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वी स्टार्ट द सेल वन वन तो जब हम वन वन सेल से स्टार्ट करते हैं ये बताइए कौन से रूल में इसको स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लोवेस्ट वेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड वोगल्स गल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड या नन ऑफ दीज तो वन वन सेल से हम जब इनिशियल बेसिक फिजिकल रिसोर्सन फाइंड करते हैं तो हम सेल वन वन से कब स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में सेल वन वन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वाली जो सेल होती है नॉर्थ वेस्ट में होती है ठीक है तो नो वे का कौन सा सही है हमारा ए पार्ट सही है क्वेश्चन नंबर चलिए टेन देखिए टू फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन बाई मैट्रिक्स मिनिमम मैथड ठीक है मैट्रिक्स मिनिमम मैथड कह दीजिए या इसको लोवेस्ट कोस्ट मैथड कह दीजिए वी फर्स्ट चूज द सेल विथ वि मैट्रिक्स मिनिमम मैथड कह दीजिए या इसको क्या कह दीजिए लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मैथड तो जो हम छाटते हैं सेल कौन सी सेल सबसे पहले लेते हैं उसमें जिसकी कॉस्ट कैसी हो लोवेस्ट हो ठीक है इसीलिए इसका नाम लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड पड़ा तो बताइए कौन सा सही है इसका दसवें का सी सही है लो वेस्ट कोस्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस अमाउंट ऑफ ए सिंगल होमोजीनियस कॉमोडिटी दैट आर इनिशियली स्टोर्ड एट वेरियस ओरिजन टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस इन सच ए वे दैट द टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज मिनिमम ठीक है तो कौन सा सही है इसमें ग्यारहवे में मिनिमम आएगा तो ग्यारहवें का ये पार्ट सही है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी रिगार्डिड एज ए जनरलाइजेशन ऑफ़ द ठीक है स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम एनी एल पी पी नन ऑफ दीज तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ठीक है कैन बी रिगार्डेड एज जनरलाइजेशन ऑफ द एसाइनमेंट प्रॉब्लम ठीक है तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में पढ़ेंगे एक दो क्वेश्चन इन्होंने नेक्स्ट वाले चैप्टर के दे दिए ठीक है तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब भी और समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए अब क्वेश्चन नंबर तुम थर्टीन देखिए ए फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एम बाई एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेट टू बी नॉन डिज़ेनरेट बेसिक फ़िज़िबल सोल्यूशन इफ द नंबर ऑफ एलोकेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन ठीक है तो थर्टीन का कौन सा सही है ये सी पार्ट सही है एम प्लस एन माइनस वन चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल वी ऑलवेज गेट नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नन ऑफ दीज तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से वी ऑलवेज गेट हम प्राप्त करते हैं हमेशा नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ठीक है क्योंकि उसके अंदर डिजेनरेसी नहीं आती ठीक है डिजेनरेसी कब आती है जब m प्लस एन माइनस वन इनकी जो संख्या है वो कम हो जाए और ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में कभी भी ये संख्या कम नहीं आती हमेशा एग्जैक्टली exactly कितनी आती है m प्लस एन माइनस वन आती है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमेशा जो सोल्यूशन मिलेगा वी गेट नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूसन तो फोर्टीन का कौन सा पार्ट सही है ए पार्ट सही है चलिए फिफ्टीन क्वेश्चन देखिए दी ओप्टी टेस्ट इज एप्लीकेबल टू ए फिजिबल सोल्यूसन कंसिस्टिंग एम प्लस एन माइनस वन फिली प्लैंग दे रखा तो क्या आएगा यहाँ पे एम प्लस एन माइनस वन एलोकेशंस इज इंडिपेंडेंट पोजिशंस ठीक है तो 15 का कौन सा पार्ट सही है ए पार्ट सही है क्वेश्चन नंबर चलिए अब हम 16 करेंगे 16 पढ़िए इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी ऑप्टिमल एंड यूनिक इफ ऑल सेल इवोल्यूशन आर यूनिक कब होता है यदि डी आई जे ग्रेटर देन किससे हो जाए ज़ीरो से ठीक है और यदि ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी आ जाए तो उसका अदर भी सोल्यूशन आते हैं पर यूनिक सोल्यूशन कब आता है ठीक है जब हम डी आई जे निकालते हैं सेल में याद करते हैं तो वो जीरो से बड़ा होना चाहिए तो जीरो से बड़ा इसमें सोल का कौन सा सही है सोल का बी पार्ट सही है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पढ़िए इन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन डिफरेंसेस ऑफ ए स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट कोस्ट इन ईच रो एंड कोलम्स आर कॉल्ड भाई वोगल अप्रोक्सीमेशन मैथड में हम डिफरेंस लेते हैं किसका स्मॉलेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट कोस्ट का ठीक है ईच रो में निकालते हैं और उसको प्रत्येक कॉलम में निकालते हैं तो बताइए उसको क्या कहते हैं यू आई कहते हैं वी जे कहते हैं पेनल्टीज कहते हैं नन ऑफ दीज ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं पेनल्टीज बोलते हैं जब हम डिफरेंस करते हैं किसका स्मॉलेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट कोस्ट का करते हैं तो उनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं पेनल्टीज बोलते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर अब एट्टीन देखिए इन कंपनल प्रोसीजर ऑफ ऑप्टी मल्टी टेस्ट वी चूज़ दैट यू आई और वी जे बराबर जीरो इन विच द कोरोस्पोंडिंग रो और कॉलम हैस फ्रिंदी ब्लैंक दे रखाई नंबर ऑफ द इंडिविजुल एलोकेशन भाई हम यू आई और वी जे जीरो लेते हैं किस रो या कोलम में लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो तो क्या आएगा यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलोकेशन तो फ्री ब्लैंक में क्या आएगा मैक्सिमम आएगा भाई तो यूआई आए और वीजे हम जब छांटते हैं मोदी मेथड में ठीक है तो ये बताइए यूआई और वीजे को हम जीरो लेते हैं किसमें जीरो लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन हो तो क्या आएगा यहां पे मैक्सिमम आएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए द ट्रेडिव प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ एन ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ ए मिनीमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज नोन एज मोदी मैथड आएगा ठीक है वे दिव प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग एन ऑप्टिमम सोल्यूशन ठीक है ऑप्टिमम सोल्यूशन यानी कि कैसा सर्वोत्तम सोल्यूशन ऑफ ए मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज नोन एज मोदी मैथड आएगा ठीक है तो उन्नीसवें का ये पार्ट सही है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय मैट्रिक्स मेथड इज ठीक है तो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना और जो ऑप्शन में उन्हें कोर्स दे रखी है वैसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन तो नहीं दिया ठीक है फिर दोबारा से पढ़िए द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय किससे मैट्रिक्स मिनिमम मेथड या क्या बोलते हैं इसको लोवेस्ट कोर्स एंट्री मेथड भी बोलते हैं तो मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से तुम इसकी कोस्ट निकाल लेंगे ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से आपको कराए तो इसको सोल्व करके इनकी कोस्ट निकाल देना तो मालूम हो जाएगा ठीक है तो शुरू के लेक्चरों में ये शायद क्वेश्चन कराया भी हो ठीक है ना तो ये निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन है थर्टीन देख लेना पेज नंबर थ्री सेवेंटी थ्री पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन बिल्कुल यही है ठीक है जो ट्वेंटी है तो मैट्रिक्स में मैथड से क्वेश्चन निकाल के ठीक है मार्क कर देंगे इसको फिर ट्वेंटी वन देखिए इन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाई मैट्रिक्स मिनिमा मैथड इन टर्म ऑफ द एलोकेशन तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना कौन से मेथड से निकालना मैट्रिक्स मिनियम मेथड से निकालना तो पहले ही निकल जाएगा कोर्स से पहले ही निकल जाएगा वो ठीक है तो ये भी हो जा हो जाएगा निकाल लेंगे इसके बाद ट्वेंटी टू क्वेश्चन देखो इन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूसन बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल तो 22 में इन क्वेश्चन नंबर 20 में क्या फाइंड करना इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाई कौन से मेथड से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ठीक है और चार ऑप्शन दे रखिए ठीक है तो यानी कि कोस्ट निकालनी हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से तो ये देखना कोस्ट निकाल के देख लेंगे कौन सा सही आएगा तो उसको सही मार्क कर देंगे ट्वेंटी में देखिए इन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाई तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ठीक है इन द टर्म ऑफ एलोकेशन तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमें क्या निकालना इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन टर्म्स ऑफ एलोकेशन निकालनी ठीक है तो एलोकेशन निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट रूल कराया ही हुआ है ठीक है और ये जो ट्वेंटी क्वेश्चन है थर्टीन में पढ़ लेना ठीक है पेज नंबर थ्री सेवन थ्री पे तो उसमें हमें थर्टीन में भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रोल भी यूज़ करना था मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड भी तो ये थर्टीन ही क्वेश्चन दे रखा है ठीक है तो 23 में ये क्या निकालना एलोकेशंस निकालना तो निकाल देंगे इनको भी 24 देखिए अब इन क्वेश्चन नंबर 20 फाइन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलूशन बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ठीक है तो कोस निकाल देंगे ये वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ट्वेंटी फाइव में इन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाय वोगल्स गल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन तो एलोकेशन निकालनी ठीक है तो एलोकेशन निकालने भी आपको आते ही हैं ठीक है वोगल्स गल्स अप्रोक्सीमेशन यानी कि पेनल्टी मेथड आपको काफ़ी क्वेश्चनों में कराया ठीक है थीके? तो निकाल के चेक कर लेंगे कि कौन सा पार्ट सही है ट्वेंटी सिक्स इन ए फिजिबल सोल्यूशन इन वोल एग्जैक्टली एम प्लस एन माइनस वन इनडिपेंडेंट इंडिविजुअल पॉजिटिव एलोकेशन इन टी पी टी पी मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देन इट इज नॉन एज ठीक है भाई जब एग्जैक्टली exactly कितनी है एम प्लस एन माइनस वन है और यदि इससे कम होती तो डिजेनरेट फिजिबल सोल्यूसन होता और जब एग्जैक्टली exactly इतनी ही है तो नॉन डी फिजिबल सोल्यूशन आएगा ठीक है भाई नंबर ऑफ एलोकेशन एग्जैक्टली कितनी होती हैं एम प्लस एन माइनस वन तो क्या होता है इसके अंदर ठीक है नॉन डिजेनरेट फिजिबल सोल्यूशन निकलता है और इससे कम हो जाती है तो प्रॉब्लम के अंदर क्या आ जाती है डी तो एग्जैक्टली exactly यदि एम प्लस एन माइनस वन है तो बताइए क्या आएगा नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आएगा तो छब्बीस वी का कौन सा सही है सी पार्ट सही है सत्ताईसवा देखिए इफ़ इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सिगमा ए आई ग्रेटर दैन सिगमा बीजे तो यानी कि जो एवेलेबल हैं वो ज़्यादा हैं रिक्वायरमेंट से इसका मतलब ये है सिगमा ए आई बड़ा है किस से सिगमा बीजे से तो जो प्रॉब्लम के अंदर एवेलेबल हैं प्रोडक्ट एवेलेबल हैं वो रिक्वायरमेंट से कैसे हैं ज़्यादा हैं देन इंट्रीड्यूस डमी डेस्टिनेशन तो तब हम इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं डमी डेस्टिनेशंस टू मेक इट ठीक है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और इसको बना देते हैं कैसी हम ठीक है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बना देते हैं तो पे का बी पार्ट सही है ठीक है क्योंकि ये अनबैलेंस होती है और इसको हम बैलेंस कर देते हैं इसके बाद ट्वेंटी एट इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर टेस्टिंग द ऑप्टीमलिटी वी फाइंड यू आई एंड वी जे सच देट फोर ओल ऑक्युपाइड सेल सी आई जी वही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर टेस्ट हम करते हैं ऑप्टीमल्टी तो वी फाइंड हम क्या फाइंड करते हैं यू आई और वी जे सच देट फोर ओल ऑक्युपाइड सेल तो सी आई जी जो कोस्ट होती है वो किसके बराबर होती है वो होती है यू आई प्लस वी जे के बराबर ठीक है जो अपर राइट कॉर्नर में लिखते हैं यू आई प्लस वी जे तो 28 वी का कौन सा पार्ट सही है बी पार्ट सही है ठीक है ट्वेंटी नाइन देखिए ए बेसिक वो ए फिजिबल सोल्यूशन ऑफ़ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेट टू बी ऑप्टीमल इफ इट इज़ मैक्सिमाइज़ द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ठीक है तो मिनिमाइज आती है तभी तो ऑप्टीमल सोल्यूशन होता है ठीक है तो कॉस्ट कैसी होती है मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो उन्नीस ट्वेंटी नाइन का यानी कि उनतीस का कौन सा पार्ट सही है इसका बी बी पार्ट सही है क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल्स है ठीक है तो इसकी कोस्ट निकालनी ये ठीक है तो फिर थर्टी वन में क्या कहा इन्होंने इन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाई लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड से इसकी कोस्ट निकालनी ठीक है फिर थर्टी टू में क्या कहा ठीक है तो निकाल सकते हैं ये मैंने क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन कराए थर्टी टू देखिए इन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाई वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड या इसको वैम मेथड भी बोलते हैं वैम मेथड का क्या मतलब है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी हमें इसकी कोस्ट निकालनी फिर तीसरे में, में क्या कहा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलूशन बाई वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन एलोकेशन में हमें, हमें इसका ठीक है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना कौन से मेथड से वैम मेथड से ही वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही निकालना है ठीक है थर्टी फोर पढ़िए इन ए एम बाई एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इज लेस देन एम प्लस एन माइनस वन देशिक फिजीबल सोल्यूशन विल बी डीजेनरेट होगा ठीक है यानी कि डीजेनरेट करना पड़ेगा वो ठीक है यानी कि प्रॉब्लम के अंदर डीजेनरेसी होगी इस तरह के भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया भाई यदि उससे कम है किस कम है एलोकेशन एम प्लस एन से कम है तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन विल भी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा तो ये इसका कौन सा पार्ट सही है ई पार्ट सही है थर्टी फाइव दी डी जेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अकर्स वहन एवर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलोकेशन ठीक है ग्रेटर देन एम प्लस एन माइनस वन लेस देन एम प्लस वन भाई प्रॉब्लम के अंदर डी है कब होती है जब इंडिविजुअल एलोकेशन लेस देन किससे हो जाती है एम प्लस एन माइनस वन से तो पैंतीसवे का भी कौन सा सही है बी पार्ट सही है ठीक है थर्टी सिक्स देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इस कार्ड अनबैलेंस्ड तो अनबैलेंस्ड कब कहलाती है जब सिग्मा ए आई बराबर नहीं होता सिगमा बीजे के यानी कि अवेलेबल और रिक्वायरमेंट बराबर नहीं होते तो प्रॉब्लम कैसी होती है अनबैलेंस्ड तो ये सिग्मा ए आई किस के बराबर नहीं है सिगमा बीजे के तो ये कौन सा पार्ट सही है इसका ये पार्ट सही है ठीक है चलिए अब थर्टी सेवन देखिए टू इम्प्रूव द करंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इफ इट इज नॉट ऑप्टीमल वी एलोकेट टू द सेल फोर विच डी आई जे जब हम इम्प्रूव करते हैं करंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को यदि वह ऑप्टीमल नहीं है तो हम एलोकेट करते हैं ठीक है टू ए सेल विच डी आई जे भाई यानी कि डेल रखते हैं उसमें कुछ एलोकेट करते हैं डेल रखते हैं उसमें हम ठीक है तो किस में रखते हैं जिसमें डी आई जे कैसा हो मिनिमम और मोस्ट नेगेटिव हो तो मिनिमम मोस्ट नेगेटिव बी पार्ट में आ रहा है तो बी पार्ट सही है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्टी एट देखिए दि अक्रैन सोफ वे डिजेनरेसी वाइल सोल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मीन्स दैट दोल्यूशन सो ऑबटेन इफ नॉट फिजिबल ठीक है यदि डिजनरेसी है वाइल सोल्विंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मीन्स दैट दोल्यूशन सो ऑबटेन इज नॉट फिजिबल तो यही सही है इसका अड़तीसवें का ये सही है ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्टी नाइन यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल एंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से एंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूसन निकालना हमें ठीक है फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल देंगे इसका चालीसवें में क्या करना यूजिंग लोवेस्ट कोस्ट एंट्री तो लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड भी हम पढ़ चुके हैं उसमें हमें क्या निकालना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूसन तो निकाल के छाट लेंगे कि कौन सा सही है ठीक है ये इसका लास्ट क्वेश्चन फोर्टी वन इन क्वेश्चन नंबर फोर्टी द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूसन बाय लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड तो लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड से इसकी हमें कोस्ट निकालनी ठीक है तो कोस्ट निकाल कर देख लेंगे तो जो भी आएगी उसको मार्क कर देंगी ठीक है तो ये सेप्टर के ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हुए, ठीक है